चलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ, बुजुर्गों से भी कहता हूँ, चलिए एक प्रैक्टिकल कीजिए आप। आप सिर्फ एक महीना, ओनली वन मंथ, नमाज को कायम रखिए। कुछ भी हो जाए, ट्रेन छूटती है छूट जाए, गाड़ी छूटती है छूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नमाज मत छोड़िए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, एक महीना इस पर कायम रहिए, फिर एक महीने के बाद नमाज खुद ही आपको नहीं छोड़ेगी। आप करके तो देखो यार, करके तो देखो मेरे प्यारे, फिर देखो क्या लुत्फ आता है। आज तुम्हें साया भी डरा रहा है ना, साये से भी डर लग रहा है ना, नमाज को अपने सीनों से लगा दो, खुदा की कसम जुल्म और तशद्दुद की कैसी हुई आंधियां भी चलेंगी ना, उससे भी खौफ नहीं आएगा तुम्हें। जो बंदा पांच वक्त अपने रब की बारगाह में हाजिर रहता हो, अरे भाई एक आदमी है जो मिनिस्टर की ऑफिस में काम करता है और दूसरा आदमी जो ऑफिस में काम नहीं करता लेकिन तीन बार प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, तो देखिए कैसे सीने चौड़े करके चलता है। इसका आना जाना पीएम के ऑफिस में है, देखिए उससे लोग मिलते, अरे साहब ये पीएम के यहाँ, इससे पीएम से ताल्लुकात है, पीएम के यहाँ आ जाता है, हमारे प्रेसिडेंट से इसके ताल्लुक, देखिए कितना बेखौफ घूमता है उस मुल्क में। और तुम, अल्लाह ने कितना फजल फरमाया कि पांच वक्त तुम्हें ये सआदत नसीब करता है। मेरे बंदो आओ मेरी बारगाह, जब तुम खड़े होते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी इबादत, और ऐसी हालत में खड़े होते हो, ऐसी हालत में खड़े होते हो, चूंकि मैं देखूंगा ना तो मैं जिसे देखूं उसकी हालत भी तो वैसी हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब ने फरमाया, जब एक बंदा नमाज के लिए मस्जिद में जाता है और नमाज के लिए वो खड़ा होता है, तो खड़े होने से पहले रब फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्तों इसके अंदर जितने गुनाह हैं ना वो इससे जुदा कर लो, निकाल लो, उन सारे गुनाहों को अलग कर दो इससे। फरिश्ते उसके सारे गुनाह निकाल लेते हैं। अब बताइए सारे गुनाह निकल गए और आप नमाज में खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, रब की तवज्जो आप पर, रब आपको देख रहा है, आप उसकी इबादत में खड़े हैं, गुनाहों से खाली हो गए, आप सोचिए अब नमाज अदा कर रहे हैं सिद्क दिल से मियाँ, इन हमाक के साथ रब के जिक्र में उसकी यादों में मुस्तगरक होके आप जो भी दुआ मांगो, गुनाह अलग कर लिए गए, इबादत में हो, रब की बारगाह में हो, दुआ कबूल ना हो। लेकिन देखिए हमारी मादियत का असर देखिए कि वहां भी हमारा ज़हन भटकता रहता है, आप समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो बंदा नमाज से फारिग होता है, कितनी बड़ी नेमत है, आप सोचो नमाज से फारिग होता है तो फरिश्ते पूछते हैं, मौला वो जो नमाज से पढ़ने से पहले इसके गुनाह अलग किए थे, वो जो सब रखे हुए हैं अलग, इससे ये नमाज से फारिग हो गया, अब इसका क्या करूँ, अब इसका क्या करूं। तो रब फरमाता है जब तुमने अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो। आए है कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो रहे हैं खुदा की कसम है। इसलिए मेरे अजीज मेरे प्यारे, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है।